देखो सीए बनने के बाद भी अगर मैं कहूँ ना कि सर मतलब कई बार बच्चे कहते हैं सर मतलब स्टूडेंट लाइफ जैसे ये वाली लाइफ बहुत टफ लाइफ है कि मतलब बस एक बार हम बट डिग्री ले लें हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, सर कहना आसान है, स्ट्रगल हर जगह है। मतलब स्ट्रगल सेक्रीफाइस, देखो जिंदगी का नाम ही, जिंदगी का दूसरा नाम पता क्या है? जिंदगी का दूसरा नाम है आप ये मान लो सेक्रीफाइस, जिंदगी का दूसरा नाम है मेहनत, जिंदगी का दूसरा नाम है कंसिस्टेंसी, जिंदगी का दूसरा नाम है स्ट्रगल। मतलब वो ठीक है जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है इसे उस पार जाना पड़ेगा। तो इसके इसमें खुशी और गम दोनों ही है ना। तो अब मतलब ये नहीं कह सकते यार डिग्री मिलने के बाद एक अलग लाइफ होती होगी, भाई गावा सर की क्या जिंदगी होगी, ऐसा नहीं। मतलब हाँ ये दिमाग में नहीं है कि मुझे एग्जाम देने हैं, बट उसके अलावा सैकड़ों टेंशन हो जाती है सर। मतलब उसके अलावा बहुत सारी टेंशन आपको देखने को मिलेगी, जब आपको डिग्री मिलेगी आपके आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी आपके अंदर, फिर और लगेगा यार मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है, तो उस टाइम और स्ट्रगल्स होंगे और टेंशन होंगी। ये वाली नहीं होंगी तो दूसरी कोई होंगी, टेंशन तो हर समय रहनी रहनी। लाइफ कभी इजी नहीं बन सकती कि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है और जो तुम इंस्टाग्राम फेसबुक या कहीं पर देखते हो वो सारी फेक दुनिया है। तुम देखते हो ना कि भाई साहब किसी सेलिब्रिटी ने फोटो डाल दी और वो सर वो 5,000 फोटो में से एक फोटो सिलेक्ट उसकी हुई है और वो एक फोटो जो उसने डाल दी है उसके घर में वो उतनी खुशी के साथ नहीं बैठा हुआ। ये जितनी भी इंस्टाग्राम पे फोटो डालती हैं ये सारी की सारी फेक होती हैं, वो फेक लाइफ है, वो फेक दुनिया दिखाई जा रही है और तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। उनके घर में जाके पूछोगे एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो मे बी तुम्हारे से बदतर लाइफ जी रहे होंगे बट वो तुम्हें बताएंगे थोड़ा। वो 500 में से एक फोटो डालते हैं फिल्टर लगा लगा के, तुम्हें लगता है यार क्या यार इनकी तो लाइफ ही खतरनाक है भाई साहब, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे से बदतर लाइफ वो जी रहे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब कहते हैं किसी के मतलब बुक कवर को देख के अंदर बुक में क्या लिखे हो पहचाना नहीं जा सकता, सेम फैक्ट है वो चीज कि तुम किसी के फेस पे स्माइल देख के तुम ये नहीं कह सकते कि बंदे की लाइफ बहुत बड़ी चल रही है, उसके दिल में क्या गुजर रहा है उसका दिल ही जानता है, बस ये बात ध्यान देना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सीए बनने के बाद मेरी लाइफ बहुत मतलब बहुत अच्छी हुई या बहुत मतलब एन्जॉय किया मैंने, ऐसा नहीं है सर। मतलब मेरे को तो लगता है कि मैं सीए बनने के बाद भी ना एज ए स्टूडेंट ही हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब लोग सीए बनने के बाद थोड़ा जॉब करते हैं, सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, मेरे को वो भी नसीब नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं सीए बना तो सीए बनते ही ये लगा लो मैं मेरा जुलाई में रिजल्ट आया था और अगस्त सितंबर के अंदर मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे जनवरी से बैचेस स्टार्ट होने थे और मैंने डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ट्रेनिंग खत्म हो गई, सीए बन गए, डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को तो मतलब मैंने कभी सैटरडे संडे फ्री अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं। मतलब कई बच्चों को लगता है ना सर सैटरडे को आपने तो हमारी छुट्टी की थी, आपकी छुट्टी की थी उसका रीजन ये था कि दूसरे क्लास में को लेनी थी। वैसे अगर मैं किसी क्लास के मतलब ऑफ करता हूँ ना तो बच्चों को लगता है सर हमारी क्लास तो ऑफ की थी आपने, आप कह रहे हो कि सैटरडे आपकी क्लास ऑफ करके किसी दूसरे की क्लास मैंने पूरा दिन रखी थी, ये लाइफ चलती है। और मेरे को अभी तक याद है कि मतलब जब मैं सीए बन गया तो पहले 6 महीने के अंदर मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मेरा 9,000 रुपये का चेक था। मतलब समझ रहे हो, मतलब एक सीए पहले 6 महीने में सिर्फ 9,000 रुपये कमा रहा था। मेरी मदर ने मुझे बहुत बार बोला कि मतलब मत कर, अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, वहाँ पे लाइफ बहुत इजी हो जाती है, लाइफ कंफर्टेबल होती है, उनको देख इसको देख। बट मेरा जो पैशन था ना, मेरा पैशन स्टार्टिंग से ही था कि भाई जो करूँगा वो इसमें करूँगा, चाहे अच्छा करूँगा चाहे बुरा करूँगा। और पहले बैच में तीन बच्चे सिर्फ, और तीन में से भी ये लगा लो कि दो बच्चे फीस नहीं देकर गए, एक बच्चे ने पूरी फीस पे कर दी, एक ने आधी फीस पे कर दी। फिर जहां पढ़ाता था उनकी भी शेयरिंग होती थी, फिर मेरे को चेक मिला, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मतलब पहला चेक भाई साहब देख लो 9,000 रुपये का चेक मेरे को मिला पहला, उसके अंदर मैं बहुत खुश हुआ और वो चेक मैंने संभाल के रखा। वो मेरी पहली कमाई थी, 6 महीने का चेक था, क्योंकि 4-5 महीने के अंदर बैच खत्म होता है, 6 महीने के बाद चेक मिला। और ये लगा लो सारा पैसा जेब से गया, आना जाना ट्रैवलिंग कुछ नहीं मिला, वो सारा मैंने जेब से लगाया। बट फिर मेरे को आज ये लगता है कि यार मैं जिस भी मुकाम पे हूँ वो मेहनत मैंने उस टाइम पर की तभी तो आज मैं उस मुकाम पर हूँ ना। 3 से 5 बच्चे हुए, 5 से 10 हुए। और मेरे को याद है मैंने कोविड से पहले एक बैच के अंदर 1,000-1,200 बच्चा मैंने फेस टू फेस के अंदर पढ़ाया हुआ है, और लाइव के अंदर बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया। चलो एक वो एक लाइफ का पार्ट है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भाई मैं सीए बन गया मेरी लाइफ बहुत हो गई। सर सीए बनने के बाद भी मेरे को कई लोगों सुननी पड़ी कि तेरी किस्मत अच्छी हुई तो सीए बन गया। मैंने कहा ना मतलब लोग सुनना कम, सर लोगों की जुबानें बंद नहीं होती यार, क्योंकि आप जब ऊपर चढ़ते हो तो लोग खींचने वाले बहुत होते हैं आपको नीचे, बहुत खींचने वाले होते हैं। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि चल विवेक तू मेरे साथ ऊपर चल, वो लोग नीचे खींचने वाले बनेंगे ही बनेंगे।
बस आपको भाई साहब होता है ना कि होता है जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तो घोड़े के आगे यहाँ पे वो लगे होते हैं, वो घोड़े की नजर बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है ना। मतलब कहते हैं ना जब हाथी चलता है तो कुत्ते भोंकते हैं, तो हाथी बस चलता रहता है, जो भोंकने वाले वो तो भोंकेंगे। हमारा काम क्या भाई, हमें अपनी ऑनेस्टी से काम करना है, दैट्स ऑल। अगर आप अपनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, भगवान भी जानता है आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जो मुकाम हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और भोंकने भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, उनका काम वो तभी तो नहीं ऊपर उठ पा रहे सर। एक्चुअल में लोग तभी नहीं ऊपर उठ पा रहे क्योंकि वो दूसरे के ऊपर ध्यान देने, अगर जिस दिन वो अपने ऊपर ध्यान देंगे ऊपर उठ जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं उनका पूरा पूरा टाइम ही दूसरे के ऊपर जाता है। अरे भाई अगर अगर आपने ऊपर तसल्ली से ध्यान दे दिया होता आप बहुत आगे पहुंच जाते, बट आपने ऊपर ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं ना। तो